हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार दिनभर की ताज़ा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार दिनभर की ताज़ा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने वाली एजेंसियों को पोल पर लाइट लगा दिए जाने के बाद भी 70% राशि ही पेमेंट होगी। बची 30% राशि 10 किस्तों में अगले 5 सालों में उन एजेंसियों को दी जाएगी, ताकि वो सोलर लाइटों का सही तरीके से मेंटेनेंस कर पाएं। यही नहीं, पेमेंट वाली 70% राशि में से 40% राशि संबंधित क्षेत्र में सोलर लाइट लगाने वाले सामान पहुंचाने पर और पोल पर लगा देने के बाद बची 30% राशि पेमेंट होगी। एक सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की कीमत 30,669 रुपये तय की गई है। गाँव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए पंचायती राज विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अगली खबर, बिहार के विभिन्न हिस्सों में गाँव में होने वाले विकास, सरकार की ओर से लागू होने वाली विभिन्न योजनाएं, ग्रामीणों को मिलने वाले लाभ के साथ ही शिक्षा, गाँव में रोजगार के साधन, यातायात की व्यवस्था सहित अन्य मुद्दे पर मुखिया सीधे मंत्रियों से सवाल जवाब करेंगे। इस दौरान सरकार के द्वारा ग्रामीणों को मिलने वाली योजनाओं की वास्तविकता के बारे में केंद्रीय नेतृत्व को जानकारी देने के साथ ही ग्रामीणों की समस्या की जानकारी देंगे। इसमें बताया गया कि ग्राम संसद के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने और ग्राम स्वराज्य की अवधारणा को सशक्त बनाने के लिए काम किया जाता है, जिससे पंचायत प्रतिनिधि जागरूक होने के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं गाँव गाँव तक पहुँचा सकें। मुखिया के माध्यम से बिहार में गाँव की समस्या को मुखिया प्रतिनिधि द्वारा दिल्ली तक पहुंचाया जाएगा और जहां से ग्रामीण स्तर पर सीधे मॉनिटरिंग कर लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। अगली खबर, देश में पहली बार 7 मोर्चों की संयुक्त कार्य समिति की बैठक कर भारतीय जनता पार्टी बिहार में नया प्रयोग करने जा रही है। बैठक का उद्घाटन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा कर चुके हैं। इसका समापन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बैठक में बीजेपी बिहार का अपना आगे का रोडमैप तैयार कर रही है। साथ ही पटना पहुंचे बीजेपी के बड़े नेताओं के सामने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में डैमेज कंट्रोल करना भी अहम मसला है। इसे लेकर पार्टी के अचानक ही अमित शाह पर नजरें टिकी है। बिहार में एनडीए सरकार के दोनों घटक भारतीय जनता पार्टी एवं जनता दल यूनाइटेड आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर आमने सामने दिख रही है। इस तकरार के बीच दोनों दलों के नेता ने ऑल इज वेल का दावा किया है। हालांकि अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, खासकर हाल के दिनों में पटना में आतंकी मॉड्यूल के उद्भेदन के मामले में RSS पर किए गए सरकारी कमेंट से बीजेपी नाराज है। अगली खबर, हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत बाढ़ सदस्य ही अभी इसके अनुरक्षक के रूप में देखभाल करेंगे और इसे आगे बढ़ा दिया गया। इन्हें प्रतिमा 2000 मानदेय सहित 5000 से अधिक अभी मिल रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नल जल योजना के सुचारू रूप से संचालन की जिम्मेदारी अनुरक्षक की होगी। बाढ़ सदस्य अगर अनुरक्षक नहीं बनना चाहेंगे तो ऐसी स्थिति में बाढ़ सभा के द्वारा बाढ़ सचिव को अनुरक्षक बनाया जाएगा। इस संबंध में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पहले से बाढ़ सदस्यों को 500 रुपये महीना दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अब अनुरक्षक बनने पर उन्हें 2000 रुपये मानदेय मिलेंगे। इसके अलावा उपभोक्ताओं से प्रतिमा 30 रुपये वसूले जाने वाले शुल्क की आधी राशि भी अनुरक्षक की दी जाएगी। औसतन एक बाढ़ में 200 घर हैं, जिसके हिसाब से 6000 शुल्क की वसूली होगी। इस तरह 3000 अनुरक्षक को मिलेंगे। योजना का संचालन अच्छे ढंग से नहीं होगा तो मानदेय में कटौती भी की जाएगी, शेष राशि रखरखाव पर खर्च होगी। पंचायती राज विभाग के द्वारा 58000 बाढ़ों में यह योजना चल रही है। नीति में यह भी साफ किया गया कि पाइप के लीकेज और खराब मीटर की शिकायत को 24 घंटे में दूर किया जाए। अगली बड़ी खबर, संविदा प्रथा समाप्त करवाएगी RJD। RJD ने कहा कि या तो सरकार संविदा कर्मियों का वेतन वृद्धि करे या फिर संविदा प्रथा को ही समाप्त कर दे। आपको बता दें कि हाल ही में सरकार ने स्वास्थ्य संविदा कर्मियों के मानदेय में भारी वृद्धि की है, जिसको देखते हुए निचले स्तर पर तैनात संविदा कर्मियों ने भी अपने मानदेय में वृद्धि करने की मांग की, जिसको देखते हुए RJD ने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि बिहार सरकार संविदा प्रथा को समाप्त कर दे या फिर जो भी संविदा आधारित कर्मी हैं उन्हें उचित मानदेय देते हुए नियमित कर दिया जाए। और क्योंकि छोटे स्तर पर तैनात संविदा कर्मी भी इस महंगाई से त्रस्त हैं और लगातार जूझ रहे। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी RJD ने ये मांग सीधे बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी से की है। राज्य में बढ़ते संविदा प्रथा पर भी RJD ने चिंता व्यक्त की और कहा कि संविदा प्रथा एक भ्रमित प्रथा है जो कि कर्मचारियों की जिंदगी बर्बाद करती है। अगली खबर, बिहार आंगनवाड़ी सेविका भी इस दौर में काफी आंदोलित है और उनकी मांग है कि सरकार उनके मानदेय में वृद्धि करे। इस महंगाई के दौर में उनके घर से पैसे लग रहे यही पोषाहार पूर्ति करने में। आंगनवाड़ी सेविकाओं ने सरकार से ये मांग रखी है कि आंगनवाड़ी सेविकाओं को सरकार जल्द से जल्द 18000 वेतन निर्धारित करे, अन्यथा इस कार्य से मुक्त कर दिया जाए। आंगनवाड़ी सेविकाओं ने आरोप भी लगाया कि आंगनवाड़ी सेविकाओं को लगातार परेशान किया जा रहा, वरीय अधिकारी उनसे विरोध प्रदर्शन करने से रोक रहे। जो विभाग के द्वारा आदेश आया है उसका पालन भी नहीं किया जाता है।
विभिन्न योजनाओं में आंगनबाड़ी सेविका से काम लिया जाता है, जबकि विभागीय निर्देश के मुताबिक आंगनबाड़ी सेविका सिर्फ और सिर्फ अपने केंद्र को चलाने के लिए निर्देशित की गई है। आंगनबाड़ी सेविका ने अपनी मांगों में पोषाहार को लेकर चिंता व्यक्त की और कहा कि पोषाहार राशि बेहद कम दी जाती है, जो कि परेशानी में डाल रही है। अगली खबर, KGBB में लागू होगा समान काम समान वेतन और पद भी बढ़ाए जाएंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में पद से लेकर वेतन तक की प्रक्रिया बदल दी गई है। इसके तहत अलग अलग तरह के KGBB में शिक्षकों के पद भी बढ़ा दिए गए हैं। यही नहीं, कस्तूरबा गांधी विद्यालय में शिक्षकों के पद बढ़ाने के साथ साथ पार्डन शिक्षकों का एक समान एक वेतन कर दिया गया है। लिखित परीक्षा के आधार पर रूल बुक में बदलाव के तहत नियोजन किया जाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य कार्यकारिणी समिति ने इस बार निर्णय लिया है और नियोजन के लिए नया निर्देश जारी किया है। इस संबंध में सभी DO को निर्देश दिया गया है। वित्तीय वर्ष KGBB में जहां कक्षा 6 से 12वीं तक की पढ़ाई होती है, वहां 5 के स्थान पर 6 शिक्षिकाओं के पद स्वीकृत किए गए थे, लेकिन 6ठे पद के लिए विषय निर्धारित नहीं किया गया था। अब राज्य कार्यकारिणी समिति ने 6ठे पद को सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत रखने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के सभी शिक्षकों और वार्डन कर्मचारियों का समान काम समान वेतन लागू किया गया है। अगली खबर, प्राइमरी से छूटे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 10 सितंबर तक मिल जाएगा। बिहार में 6ठे चरण में छूटी हुई नियोजन इकाइयों के लिए शिक्षा विभाग ने शेड्यूल जारी कर दिया है। ये वो नियोजन इकाई है जो पंचायत से नगर निकाय में शामिल हो चुके हैं। नगर नियोजन इकाइयों के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 7 से 10 सितंबर तक दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने नया शेड्यूल जारी किया है। 6ठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के लिए पटना जिला का विभिन्न नियोजन इकाइयों और नगर परिषद की काउंसलिंग खत्म हो चुकी है। काउंसलिंग के बाद चयनित अभ्यर्थियों से सहमति पत्र भी लिया जाएगा और चयन सूची के अभ्यर्थियों को रूलबुक के अनुसूचित 2 के अनुरूप विद्यालय आवंटित करने के लिए नियुक्ति पत्र 30 जुलाई को दिया जाएगा। अगली खबर, बिहार में मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार। बिहार में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। पूरे बिहार में बारिश की संभावना है। मुजफ्फरपुर दरभंगा समेत बिहार के 19 जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है। वहीं पटना समेत बिहार के 19 जिलों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने लगाया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में भारी बारिश के आसार हैं। नेपाल में लगातार बारिश से बेतिया, सुपौल और खगड़िया में नदियां उफान पर है। अगली खबर, नीतीश को चुनौती दे रही BJP ICU में सरकार। BJP के कार्यक्रम पर RJD ने JDU को किया अलर्ट। कहा कि सावन भादो में नैया डूबनी तय है। BJP संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में होने वाली है और इसे लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा पटना पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह रविवार को पहुंचेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ने कहा कि सत्ता में साथ रहकर भी BJP नीतीश कुमार को चुनौती दे रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गठबंधन में रहते हुए भाजपा के व्यवहार से आहत होंगे और समय आने पर जरूर मुंह खोलेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की राजनीति में कुछ नहीं होने वाला। बिहार की जनता सब देख रही है और सब कुछ जानती है। देश के गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर कहा कि कोई कितनी बार भी बिहार आ जाए, बिहार को कुछ मिलने वाला नहीं है। अगली खबर, स्कूल में महिला प्रिंसिपल की कमरे में बंद कर की गई पिटाई। पटना के विक्रम स्थित राजकीय बुनियादी विद्यालय में विद्यालय की प्राचार्या को उसी स्कूल की ही 3 शिक्षिकाओं ने कमरे में बंद कर जमकर पिटाई कर दी। घटना के बाद पूरा विद्यालय अफरा तफरी के माहौल में तब्दील हो गया। विद्यालय में उपस्थित बच्चा भी हंगामा करना शुरू कर दिया। किसी तरह प्राचार्य ने इस बात की सूचना प्रखंड विकास प्राधिकारी एवं विक्रम थाने को दी है। सूचना मिलते ही विक्रम के प्रखंड विकास प्राधिकारी एवं थाना प्रभारी विद्यालय पहुंचकर छानबीन शुरू कर चुके हैं। बातचीत के क्रम में प्रधान शिक्षिका ने बताया कि विद्यालय की 3 शिक्षिका हमेशा विद्यालय में लेट से पहुंचती थी और इसे लेकर विद्यालय के प्रधान शिक्षिका ने सभी शिक्षिकाओं को कड़े शब्दों में हिदायत देते हुए इसकी शिकायत विभाग को करने की बात कही थी और इसी को लेकर 3 शिक्षिकाओं के गुट ने उन्हें एक कमरे में बंद कर पिटाई कर दी। तो दोस्तों, बिहार दिनभर की ताज़ा और बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिनभर की ताज़ा और बड़ी खबर रोजाना मिलती।